हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मोटर प्लैनेट। गाइस वेन्यू का बेस वेरिएंट आज हमारे साथ है जो कि इसका ई वेरिएंट है। अब गाइस हमने वैसे तो वेन्यू के आपको सारे वेरिएंट्स ऑलमोस्ट कवर कर दिए थे, इनफैक्ट ड्राइव भी मैंने आपको करके बता दी थी वेन्यू की, लेकिन इसका जो बेस वेरिएंट ई वेरिएंट है वो अभी रिसेंटली हमारे पास आया है। अब जाहिर सी बात है कि ये बेस वेरिएंट है तो इसमें फीचर्स तो आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन स्टिल अगर आप इसे एक बार बाहर से देखेंगे तो आपको ये बहुत ऑर्डिनरी टाइप का फील नहीं होगा। एंड रही बात कीज की, तो कीज आपको मैनुअल कीज मिलेंगी, इसमें रिमोट की ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। सबसे पहले गाइज आप अगर इसका पूरा एक लेआउट देखेंगे या फिर अगर मैं कहूँ लुक देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी टाइप की फील नहीं होगी ये फ्रंट से देखने पे, क्योंकि जनरली आपने देखा होगा कि जो बेस वेरिएंट होते हैं किसी भी कार के उसमें बम्पर पे आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं, लेकिन वेन्यू फेसलिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो वेन्यू फेसलिफ्ट में आपको फॉग लैंप्स का ऑप्शन दिया ही नहीं गया है, क्योंकि युंडे का कहना है कि जो उनके हेडलैम्प्स है वो कुछ इस तरह से वर्क करते हैं कि उसमें फॉग लैम्प्स की आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो इस वजह से फ्रंट से देखने पे बेस से लेकर टॉप जो भी वेरिएंट्स है वो फॉग लैम्प्स के बिना भी काफी कंप्लीट टाइप के लगते हैं। अब गाइस क्योंकि बेस वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको एलईडी डीआरएल का कॉम्बिनेशन तो मिलने नहीं वाला है, यहाँ ऊपर की साइड आपको इसके मिलते हैं नॉर्मल हैलोजन की फॉर्म में इंडिकेटर्स, और इन इंडिकेटर से नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके हैलोजन हेडलैम्प्स का सेटअप। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ग्रिल देखेंगे गाइस इसकी, तो ग्रिल जो है वो वेन्यू फेसलिफ्ट की काफी ज्यादा अमेजिंग लगती है, क्योंकि यहाँ पे युंडे ने डार्क क्रोम ग्रिल का यूज किया है, जैसे कि आपको युंडे की एल्काज़ार में भी देखने को मिल जाता है, तो इस वजह से पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा प्रीमियम लगती है ये वाली वेन्यू। एक्स शोरूम कॉस्ट की बात करें तो युंडे ने इसकी एक्स शोरूम कॉस्ट रखी है नियरली 7,53,000, जो कि अगर मैं दिल्ली एनसीआर रीजन की बात करूं तो ये जो वेरिएंट है वो आपको ऑलमोस्ट ऑन रोड पड़ जाएगा 8,50,000 के आसपास। तो एज सच अगर आप इसे 8,50,000 रुपीस दे के खरीदते हैं तो आपको फ्रंट से तो इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरली लोग क्या होते हैं बेस वेरिएंट खरीद लेते हैं और उसमें नीचे की साइड फॉग लैंप्स लगा देते हैं, बट यहाँ पे कोई भी हाउसिंग ऐसी नहीं दी गई है फॉग लैंप्स के लिए, तो फॉग लैंप्स पे खर्चा करने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी गाइस वेन्यू में वैसे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन जो करेंटली मेरे पास वर्जन है वेन्यू का वो है इसका 1.2 लीटर पेट्रोल वाला इंजन, और इस बेस वेरिएंट में आपको टर्बो इंजन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो अगर आप टर्बो इंजन के शौकीन है तो आपको हायर वेरिएंट्स की तरफ जाना पड़ेगा। बाकी ये जो इंजन है वो भी परफॉर्मेंस में डिसेंट परफॉर्मेंस आपको देता है, एंड अच्छी बात ये कि 4 सिलेंडर यूनिट के साथ ये इंजन आपको आता है, तो रिफाइनमेंट में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। अब गाइस साइड प्रोफाइल से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 15 इंचेस के स्टील रिम का ऑप्शन, और स्टील रिम के ऊपर भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं व्हील कवर्स का ऑप्शन। इसके अलावा ओआरवीएम्स को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको ओआरवीएम्स पे इंडिकेटर्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसके जो इंडिकेटर्स है वो दिए गए हैं व्हील्स के ऊपर फेंडर्स पर, बाकी ये जो ओआरवीएम्स है आपको उन्हें मैनुअली एडजस्ट और फोल्ड करना पड़ेगा। तो बस यही 2-3 चीजों की वजह से आप यहाँ पे साइड प्रोफाइल से देख के पता लगा पाएंगे कि ये वेरिएंट बेस वेरिएंट है। स्पेशली ये उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन बन जाता है जिनको डिसेंट टाइप के फीचर चाहिए अपनी कार में, बट वो अपग्रेड करना चाहते हैं कि ऐसी कार पे जिसपे आपको ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा खासा मिल जाए और एक एसयूवी कैरेक्टर वहाँ पे आ जाए। बाय द वे यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको नियरली 190 mm का मिल जाता है, जो कि एक अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है, स्पेशली अभी जहाँ पे ये कार खड़ी है वहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्राउंड क्लियरेंस की इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा दिख रही है। इसके अलावा गाइस टॉप पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रूफ रेल्स का ऑप्शन भी नहीं दिया गया है इस बेस वेरिएंट में, रूफ रेल्स चाहिए तो आपको वो हायर वेरिएंट्स में मिलेंगी। बाकी डोर्स की बात करें तो डोर्स पे आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं, और क्योंकि यहाँ पे आपको मैनुअल कीज का ऑप्शन मिलता है इस वजह से कीज को आपको मैनुअली यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा और डोर को ओपन करना पड़ेगा। अब गाइस रियर प्रोफाइल आप देखेंगे तो रियर से देखने पे आप हार्डली पहचान पाएंगे कि ये बेस वेरिएंट है। अगर गाइस हम टेल लैंप्स की बात करें तो ये जो टेल लैंप्स है वो आपको पूरे हैलोजन की फॉर्म में मिलती है, मिडिल में आपको यहाँ पे वेन्यू की ब्रांडिंग की गई है, और नीचे की साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। बम्पर से नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्किड प्लेट का भी ऑप्शन दिया गया है, और ये जो स्किड प्लेट है वो आपको सिल्वर फिनिशिंग की फॉर्म में दी गई है, तो आपको एक यहाँ पे डुअल टोन कलर फिनिशिंग का कॉम्बिनेशन जो मिल जाता है वो भी काफी अच्छा लगता है। क्विकली चेकआउट करते हैं इसका बूट स्पेस। आपके इस वेन्यू में आपको जो बूट स्पेस मिलता है वो मिलता है 350 लीटर्स का, जो कि अगर मैं इसके सेगमेंट की दूसरी कार से कंपेयर करूं तो यहाँ पे आपको एवरेज सभी कार्स में इसी के सेगमेंट की 350 लीटर्स का ही बूट स्पेस मिलता है। इसके अलावा आप यहाँ पे एक और चीज नोटिस कर रहे होंगे कि पार्सल ट्रे का ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है, क्योंकि जनरली पार्सल ट्रे जो होती है वो आपको बेस वेरिएंट में नहीं दी जाती। बाकी स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील आपको यहाँ पे नीचे की साइड प्लेस किया गया है, और ये जो स्पेयर व्हील है वो आपको 15 इंचेस का ही मिलता है, जैसे कि आपको इसके बाकी स्टील रिम के ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये था ओवरऑल इसके एक्सटीरियर का प्रोफाइल। अब क्विकली एक काम करते हैं इंटीरियर में चलते हैं, क्योंकि फीचर में जो भी ज्यादा चेंजेस है वो आपको इंटीरियर से ही फील होंगे। ऑलराइट गाइस एक बार फिर से आ गए हैं वेन्यू के बेस वेरिएंट के इंटीरियर में। यहाँ पे आपको क्या क्या चेंजेस मिलने वाले हैं, पहले तो आप यहाँ पे स्टीयरिंग देख सकते हैं, स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डिनरी टाइप का इसलिए फील हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील या डी कट स्टीयरिंग व्हील नहीं दिया गया है, जैसे कि आपको वेन्यू के जनरली आपने टॉप वेरिएंट में देखा होगा।
राइट साइड में आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बट ये जो कंट्रोल्स है वो ऑडियो एंड वॉइस कंट्रोल्स के बटन्स नहीं है, ये MID के कंट्रोल्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं प्रेस कर रहा हूँ से, और यहाँ पे MID में इसके कंट्रोल जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो आप इन बटन्स को देख के ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना कि ये वाले जो बटन्स है वो ऑडियो एंड वॉइस कंट्रोल्स के बटन्स है। बाकी इधर आप देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पे एनालॉग वाला मिल जाता है बेस यूनिट में। हायर यूनिट्स में वेन्यू में जैसे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है वैसा आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेस यूनिट होने की वजह से यहाँ पे आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम का ऑप्शन नहीं दिया गया है। स्पेस यहाँ पे बिल्कुल ही खाली है। उसका ये रीजन है कि आप इसे बाहर से आफ्टर मार्केट इसमें मॉडिफिकेशंस करवा सकते हैं। Hyundai ने उसके लिए प्रोविजन दिया है आपको, या चाहे तो आप शोरूम से भी एक्सेसरी के रूप में इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऑप्ट कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिल रहा है इसमें, तो आपको स्पीकर्स और ट्विटर्स का भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसके अलावा थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एसी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये जो एसी है वो आपको मैनुअल एसी के कंट्रोल्स यहाँ पे मिलेंगे। ऑल्दो अगर मैं वेन्यू के हायर यूनिट्स की भी बात करूँ तो उसमें जो ऑटो एसी है उनमें भी आपको यही टाइप के सर्कुलर बटन्स दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको एसी मिल रहा है वो आपको मिल रहा है मैनुअल एसी। ऑल्दो एसी यहाँ पे ऑन है और एसी की जो थ्रो है एयर का वो काफी ज्यादा अच्छा है। इनफैक्ट कूलिंग भी ये काफी ज्यादा अच्छी कर रहा है, तो आई डोंट थिंक कि कूलिंग के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे कोई इशू देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलने नहीं वाला है। यहाँ पे आपको 5 स्पीड का मैनुअली ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है। इधर आप देख सकते हैं 12 वोल्ट के सॉकेट यहाँ पे आपको दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक टाइप सी का पोर्ट। अगर बात करें ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स मैं आपको एक बार चेकआउट करा लेता हूँ। डिसेंट साइज का यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिलता है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ ऊपर की साइड भी आपको थोड़ा सा स्टोरेज प्लेस दिया गया है। अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर आपको यहाँ पे डुअल टोन फिनिशिंग में देखने को मिल रहा है। ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मिल रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आपको यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन मिल रहा है। जो डुअल टोन कलर ऑप्शन Hyundai ने प्रोवाइड किया है अभी वाली वेरिएंट्स में वो काफी अच्छा लगता है, जिसकी वजह से कार जो है वो काफी ज्यादा स्पेशियस लगती है। ORVMs मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे कि आपको मैनुअली से एडजस्ट करना पड़ेगा, और फोल्ड भी आपको मैनुअली से करना पड़ेगा। बाकी पावर विंडोज की गाइस कंट्रोल जो है वो आपको सिर्फ फ्रंट में ही देखने को मिलेंगे, पीछे की साइड आपको मैनुअली विंडोज को डाउन और अप करना पड़ेगा। अगर बात करें एक इंपॉर्टेंट फीचर की, तो ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट का जो फीचर है वो इस बेस वेरिएंट से मिसिंग है। तो मेरी जो हाइट है वो है 5 फीट 8 इंच के आसपास, और अगर मैं बात करूं अपनी सीटिंग हाइट के हिसाब से कार की, तो यहाँ पे मुझे क्लियरली इसका बोनेट विजिबल हो रहा है। ऑल्दो कैमरा में आपको शायद बोनेट इसका इजिली विजिबल नहीं हो रहा होगा क्योंकि मैं लोअर एंगल से रिकॉर्ड कर रहा हूं, बट यहां से आप देख सकते हैं अब ये जो बोनेट एरिया है वो काफी हद तक आपको विजिबल हो रहा होगा। तो ड्राइविंग में आई डोंट थिंक कि आपको कोई इशू होने वाला है अगर आपकी हाइट मेरी जितनी ही है। क्विकली काम करते हैं, इसके रियर सीट में चलते हैं और आपको बताते हैं कि वहां पे स्पेस कैसा मिलता है। ऑलराइट गाइस, हम आ गए वेन्यू की रियर सीट में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेग रूम जो है वो यहाँ पे आपको डिसेंट टाइप का मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर मैं इसी के सेगमेंट की दूसरी कार से कंपेयर करूं तो यहाँ पे लेग रूम और अच्छा किया जा सकता था। अंडर थाई सपोर्ट इसका काफी अच्छा है। शोल्डर रूम अगेन यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिलता है। तो अगर मैं लॉन्ग ट्रिप्स की बात करूं, तो 2 पैसेंजर यहाँ पे आराम से बैठ पाएंगे और मिडिल में एक किड यहाँ पे आराम से आ जाएगा। रियर एसी वेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा एरिया खाली खाली सा इसलिए भी फील होता है कि रियर एसी वेंट आपको एक तो यहाँ पे नहीं मिलते हैं, और दूसरा आर्मरेस्ट भी आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे इस बेस वेरिएंट में आपको मैनुअली विंडोज को अप एंड डाउन करना पड़ेगा इस तरह से कुछ, तो ये वाला फीचर यहाँ पे इस बेस वेरिएंट से मिसिंग है, पावर विंडोज का फीचर। सेफ्टी के हिसाब से आपको यहाँ पे 2 एयरबैग्स दिए गए हैं फ्रंट में, ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड, और ABS विद EBD रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये ई वेरिएंट कैसा लगा वेन्यू का, और क्या ये वेरिएंट आपके अकॉर्डिंग कंसीडर करना चाहिए लोगों को या फिर नहीं। बाकी वेन्यू पे हमने और भी काफी सारी वीडियोस बना दी हैं, वो भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस कार से रिलेटेड, तो आप हमसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर गाइस आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।